ये हमारे गजरौला की प्रसिद्ध ललिता देवी मंदिर है, और ये देख सकते हैं आप, ये गाय और बैल ये ऐसे बेचारे परेशान पड़ रहे हैं। ये झूठ मूठ पत्तल ये खाने को बेवज मजबूर हैं। सरकार इनके विरुद्ध इनके लिए भी एक ठोस अच्छा सा कोई कानून निकाले, जिससे बेचारे को इन्हें ये दिन ना देखना पड़े। आप देख सकते हैं भूखे प्यासे, अब गर्मी का समय आने वाला है तो गर्मी में बेचारे ऐसे ही फिरेंगे, कोई डंडा मारेगा, कोई कुछ मारेगा, कोई जो सज्जन व्यक्ति होगा, दयावान होगा, वो इन्हें पानी भी पिला देगा और थोड़ा बहुत निहार भी गिर सकता है। लेकिन दोस्तों, मेरा सरकार से निवेदन है कि आप दुनिया के बारे में सोच रहे हैं, सड़कों के बारे में सोच रहे हैं, बच्चों के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन एक बार इन योगी जी एक बार इन गायों के बारे में भी सोचें। ये बेचारी झूठ मूठ खाती फिरती हैं सड़कों पर, आप देख सकते हैं इनकी कितनी दर्दनीय स्थिति है, तो इन बेचारों को पेड़ और निहार भी नहीं मिलता। आप देखिए ये हमारे ललिता मंदिर है, कल मेला लगाता है चैत का पहला मंगल, और ये देख सकते हैं आप कम से कम 500 यहाँ गाय हैं जो ऐसी फिर रही। देखिए बेचारे क्या खा रहे हैं। ये नंदी महाराज हैं, आप देख सकते हैं, और मैं आपको और दिखाता हूँ, आप देखते रहिए। तो जब सरकार सबके बारे में सोच रही है तो एक बेजुबान पशुओं के बारे में जरूर सोचें कि बेचारे ये पानी, अब इन्हें गर्मी का समय आ रहा है, पानी भी नहीं पिलाएगा कोई, ना इन्हें कोई नहाएगा, कोई डंडा मारेगा, कोई कुछ करेगा। आप देख सकते हैं कितनी गायें उधर भी देखी होंगी आपने, और देखिए ये, देखिए ये बछिया है कितनी सुंदर बछिया, और ये देखिए काली कितनी सुंदर बछिया जा रही है। आप देख सकते हैं कितनी सुंदर बछिया आई, आप इसे देखिए गौर से, अगर ये ऐसा समय नहीं होता तो इन्हें कुछ छोड़ता नहीं दोस्तों। देखिए उधर भी एक बछिया है, फिर उधर भी एक बछिया है, और आप देख सकते हैं ये देखिए ये बैल है, और कितना शानदार बछड़ा देखो काला, आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ से। दोस्तों मैं ये कहना चाहता हूँ, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें सभी। और ये ललिता मंदिर है, आप देख सकते हैं बाल मुंडन भवन है यहाँ पर। मैं भी आया था किसी काम से तो मैंने देखा, मैं रोज़ ही देखता हूँ ऐसे मोहल्लों में, आपने भी देखा होगा कि हर मोहल्ले में दो चार ऐसे फिरते रहते हैं, कोई किसी का डंडा मार देता, कोई फरसा मार देता, कोई कुछ मार देता। तो मैं आप सबसे ये निवेदन करना चाहता हूँ कि इस वीडियो को इतना शेयर करें कि ये वीडियो आगे तक जाए, और जो इनके रक्षक हैं, जिन पे जिस सरकार में गायों की जिम्मेदारी है, जो गौशालों के नाम पे ठगी हो रही है, न्याय नहीं मिल पा रहा ढोरों को और पैसा सरकार से पूरा आ रहा, तो इस पर विशेष संज्ञान लें और इस पर ध्यान दें। धन्यवाद, नमस्कार।